Hello students, today we are going to start our new chapter in standard 10th, that is the our environment, and it is your biology's portion. So it is come in the board's portion in the 3 marks. Okay, board marks 3. So generally इसमें से एक क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका 1 mark का, और एक क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका 2 marks का. ओके सो इस तरह से इसमें 3 मार्क्स बोर्ड ने कंसिडरेशन किए हैं. मैं भी इन फ्यूचर शायद कुछ सिलेबस कट होगा तो उसमें से आप लोगों को क्या हो जाएगा कि इसमें से मार्क्स का वेटेज शायद कम भी हो सकता है. शायद अगर ये चैप्टर निकल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके पर ये बहुत ही ईजी चैप्टर है. बायोलॉजी का पोर्शन है ये, और ओवर एनवायरमेंट यानी कि हमारे आसपास का एनवायरमेंट के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है. जनरली हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट किस वर्ड के ऊपर से डिराइव किया गया है. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2 मार्क्स में से इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके वी हैव टू शो व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स, व्हाट इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स, व्हाट इज द बायोटिक कंपोनेंट, व्हाट इज द एबायोटिक कंपोनेंट्स. ओके ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है. उसके बाद देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द फूड चेन, फूड वेब, ये चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट इज हाउ द ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड एंड हाउ इट गेट्स डिप्लेटेड बाय एनी गैसेस, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द हाउ द बायो व्हाट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि इस चैप्टर के अंदर आने वाले हैं. बहुत ही बेसिक चैप्टर है. पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो फिर से रिपीट होगी. आप लोगों को जो पता होगा वही चीज़ रिपीट होगी फिर से. तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. सो इफेक्ट ऑफ एडिंग द वेस्ट टू द एनवायरनमेंट. तो क्या होता है कि भाई हम लोग कोई वेस्ट को अगर एनवायरनमेंट के अंदर डाल दे, तो पहले तो एनवायरनमेंट यानी कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो होती है वो जनरली हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, जिसमें उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरली एनवायरनमेंट कहते हैं. ओके तो इस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमारा कोई भी वेस्टेज होता है वो वेस्टेज जनरली डाल देते हैं. तो वो वेस्टेज जो होता है वो जनरली कितने टाइप्स का होता है, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्टेज दैट वी थ्रो इन टू द एनवायरनमेंट. ओके सो फर्स्ट टाइप ऑफ वेस्टेज दैट वी हैव टू थ्रो इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एंड सेकेंड वी थ्रो द वेस्ट इज कॉल्ड एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर वेस्ट विच आर डिकम्पोज इन टू द हार्मलेस सब्सटेंस बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्टिस है जिसमें क्या होता है कि वो डिकम्पोजिशन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. ओके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि अर्थ वॉर्म्स हो गए, कोई और हो गए, तो वो क्या करते हैं, कोई भी वेस्ट अगर हम लोग डालते हैं तो उसको बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं, उसको डिकम्पोज कर सकते हैं. ओके मतलब उसको सड़ा के ख़त्म करके फिर अपने अंदर ले सकते हैं, न्यूट्रिशंस बना सकते हैं ज़मीन का या फिर किसी और चीज़ का. ओके तो जनरली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो हम लोग अगर एनवायरनमेंट के अंदर डाल भी दे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसको डिकम्पोज करके फिर ख़त्म कर सकते हैं. ओके सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एनवायरनमेंट के अंदर थ्रू करना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. जैसे कि एग्जांपल्स हम लोगों को दिए कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, पल्सेस है, सीरियल्स, कॉटन, जूट, वूल, वुड, लेदर, पेपर, एनिमल डंग, एनिमल बोन्स एट्सेट्रा, जो सारी चीज़ें हैं दैट वी हैव टू थ्रो दैट वी कैन थ्रो इन द एनवायरनमेंट एंड दे डिकम्पोज बाय इटसेल्फ बाय यूजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं डिकम्पोज कर सकते हैं. इस वजह से इसको हम लोग अगर थ्रो भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. लेकिन ऐसे जो वेस्टिज है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग जनरली क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे. ओके जनरली इसीलिए आप लोगों को बचपन से बोला जाता है कि पॉलीथिन्स की बैग जो है, प्लास्टिक्स जो है, वो हम लोगों को थ्रो आउट नहीं करना चाहिए, या तो उसका रिसाइकलिंग करना चाहिए या तो हम लोगों को उसका रीयूज करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो दे आर नॉट फिनिश्ड इन द एनवायरमेंट एंड दैट इज द हार्मफुल और डैमेजफुल टू अवर एनवायरमेंट
ओके, तो फ्यूचर में इतनी सारी अगर प्लास्टिक्स और पॉलीथीन बैग्स हम लोग डालते रहेंगे जिसका डिकम्पोजिशन होना ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ पे सारा कचरा कचरा ही रहेगा और फिर हम लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, क्योंकि इतना सारा वेस्टेज मटेरियल अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और उसको थ्रो आउट करेंगे एनवायरमेंट के अंदर, तो हम लोगों को रहने के लिए जगह जो है वो कम पड़ जाएगी। ओके, सो दैट इज़ द मेन पॉइंट दैट वी डोंट हैव टू यूज़ द पॉलीथीन बैग्स, दैट वी डोंट हैव टू यूज़ द प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, ग्लास, मेटल्स, सिंथेटिक रबर, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, दे आर ऑल्सो हार्मफुल टू एनवायरमेंट। ओके, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो भी है वो भी हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि अगर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को हम लोग अर्थ के ऊपर डाल रहे हैं, सॉइल के ऊपर डाल रहे हैं अर्थ वर्म्स को ख़त्म करने के लिए, तो जो अर्थ वर्म्स है जो डिकम्पोजिशन करते हैं वो भी साथ साथ में ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या किया कि जो डिकम्पोज करने वाले जो भाई साहब थे उसको ही ख़त्म कर दिया, तो वो जो डिकम्पोज करने वाले भाई साहब थे वही ख़त्म हो गए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ख़त्म हो गया, मतलब बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स भी जो आराम से डिकम्पोज होने वाले थे उसको भी हमने अभी काम करवाना बंद कर दिया। इस वजह से क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की वजह से भी बहुत ही डैमेज होता है एनवायरमेंट्स को, और इसीलिए इसको किस में कंसिडर करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर कंसिडर करेंगे। सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे, एक्सप्लेन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स। बहुत ही इजी है, सिर्फ आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन लिखनी है कि भाई कौन से वेस्ट है जिसको डिकम्पोज होना पॉसिबल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि एग्जांपल है। दो पॉइंट्स लिखोगे, एक में लिखोगे डेफिनेशन उसकी भी क्या है, दूसरे में लिखोगे उसके एग्जांपल्स, तो आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो, बहुत ईजी सारे एग्जाम्पल है। वैसे ही सेम यहाँ पर लिखोगे कि जो डिकम्पोज नहीं हो सकते उसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे, पॉलीथीन, प्लास्टिक, सिंथेटिक पाइप। मुझे पता है कि ये आप लोगों को आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोगों को लग रहा होगा सर क्यों लिखने के लिए दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इसमें पता नहीं है, 2 मार्क्स के अंदर शायद ये कंसिड्रेशन हो जाए। फिर आप लोगों को सिर्फ ऐसा पूछा जाएगा कि द वेस्ट मटेरियल्स दैट वी हैव टू दैट वी हैव दैट वी आर गोइंग टू थ्रो इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज, सो ये हम लोगों को नहीं समझ में आएगा फिर बाद में क्वेश्चन ही, तो क्या करेंगे हम लोग। ओके ओके, फिर क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी होगा लेकिन उसको आप लोग समझ नहीं पाओगे, तो इतना ईजी आंसर भी मिस करके आ जाओगे। ओके, शायद 1 मार्क्स में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि वॉट इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन एंड यू हैव टू गिव दी एग्जाम्पल्स। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ वॉट इज द इको सिस्टम एंड वॉट आर इट्स कॉम्पोनेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इको सिस्टम कंजिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एरिया एलॉन्ग विद द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज द इको सिस्टम। मतलब एक इको सिस्टम क्या है? तो एक इको सिस्टम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स जो है उसका मर्जेशन है, यानी कि उसका इंटरेक्शन है। अगर इन दोनों को मैं मिक्स करके कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइक रीजियन बनाऊँ तो उसको मैं जनरली क्या कह सकता हूँ, दैट आई कैन से दैट इट इज़ द इको सिस्टम। सो जनरली देर आर 2 टाइप्स ऑफ इको सिस्टम, फर्स्ट वन इज द नेचुरल इको सिस्टम एंड सेकेंड इज द आर्टिफिशियल इको सिस्टम। सो नाउ वॉट इज द नेचुरल इको सिस्टम? द इको सिस्टम मेड बाई द नेचर इज कॉल्ड एज द नेचुरल इको सिस्टम, यानी कि जो नेचर ने अपने आप बनाई है इको सिस्टम, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रास हो गया, माउंटेन्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स भी होते हैं, ट्रीज भी होते हैं और साथ साथ में एनिमल्स भी हो सकते हैं, मतलब साथ साथ में जो कि भाई क्या है, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स है वो भी वहाँ पर है, तो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स भी वहाँ पर होंगे। तो इन दोनों का जो इंट्रैक्शन हुआ तो वो नेचर ने क्रिएट किया है, ना कि हम लोगों ने क्रिएट किया है। ओके, तो ऐसी सारी चीज़ें उसको हम लोग जनरली क्या कहेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे, जो कि किसने बनाई है, नेचर ने अपने आप बनाई। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि हमने जो भी चीज़ें बनाई है, जो इकोसिस्टम क्रिएट किया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने गार्डन बना लिया है, पार्क्स बना लिए, क्रॉप फील्ड्स क्रिएट कर लिए, एक्वेरियम बना लिया है, जू बना लिया है,
तो इसके अंदर हम लोगों ने लिविंग एनिमल्स को भी डाल दिया है, साथ साथ में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी वहाँ पर होंगे। जैसे कि आप जू में चले गए तो आप जो उसका मान लो कि कोई लायन देख रहे हो, सो लायन इज अ लिविंग थिंग बट ही स्टेज इन द केज, सो दैट केज इज कॉल्ड एज द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट। ओके, तो इन दोनों का इंट्रैक्शन हो गया, तो जनरली इस तरह से हम लोग कंसिडरेशन कर सकते हैं कि भाई हम लोगों ने आर्टिफिशियल एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है जिसमें हम लोगों ने लिविंग कॉम्पोनेंट्स को ऐड किया है। ओके, लिविंग थिंग्स को ऐड कर दिया है। सो दैट इज योर सेकेंड क्वेश्चन एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टूडेज टॉपिक। ओके, क्वेश्चन नंबर टू जो है आज का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वॉट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आज आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि भाई दो टाइप्स के इकोसिस्टम है। जनरली फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो नाउ वॉट इज द नेचुरल इकोसिस्टम? द इकोसिस्टम विच इज मेड बाई द नेचर इज कॉल्ड एज द नेचुरल इकोसिस्टम। एंड वॉट इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? द इकोसिस्टम इज मेड बाई द ह्यूमन बींग और इकोसिस्टम इज मेड बाई द ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू राइट दैट नेचुरल इकोसिस्टम कंसिस्ट द फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड माउंटेन्स, एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कंसिस्ट द गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स और एक्वेरियम एंड जू। यू कैन राइट एनी थिंग यू हैव टू राइट, यू वॉन्ट टू राइट। ओके, एंड नाउ सेकेंड पॉइंट जो है हमारा कि भाई कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से इकोसिस्टम के अंदर। अभी हम लोगों ने बात की कि भाई कॉम्पोनेंट्स है जैसे कि लिविंग कॉम्पोनेंट्स भी हो गए, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स भी हो गए, तो अब उसको हम लोग कैटेगराइज कैसे करेंगे? सो जनरली वी आर गोइंग टू कैटेगराइज इन टू द टू कॉम्पोनेंट्स। ओके, हम लोग क्या करेंगे, दो कॉम्पोनेंट्स के अंदर उसको डिवाइड कर देंगे। इकोसिस्टम को हम लोग दो कॉम्पोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट कॉम्पोनेंट जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? जनरली बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। और दूसरे को कहेंगे ए बायोटिक कॉम्पोनेंट। जनरली बायोटिक कॉम्पोनेंट्स जो है उसमें हम लोग डालेंगे सारी जो लिविंग थिंग्स है उसको हम लोग किसमें डाल देंगे, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स के अंदर डाल देंगे। अब ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स के अंदर हम किसको डालेंगे, जनरली जो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स है जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, तो ये जो है वो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स है। कॉम्पोनेंट्स तो है ही एनवायरमेंट के, पर ये जो है वो नॉन लिविंग है। लिविंग यानी कि हम लोग जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं वैसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको हम लोग किसमें डाल देंगे, बायोटिक में डाल देंगे। और नॉन बायोटिक में हम लोग किसको डालेंगे, एयर वाटर सॉइल में डाल देंगे। ओके, सो इसके अंदर डिटेल्स में हम लोग कल देखेंगे, बट जनरली आज आपको सिर्फ लिखना है कि वॉट आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इको सिस्टम। क्वेश्चन नंबर थ्री, वॉट आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम? तो जनरली देर आर टू मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज द बायोटिक कॉम्पोनेंट एंड सेकेंड इज द ए बायोटिक कॉम्पोनेंट। नाउ यू जस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन फॉर द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेंट, नॉट राइट यू नॉट यू हैव टू राइट इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन वी हैव टू सॉल्व टूमोरो एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ओके, so okay, so that's it for today. Thank you very much for reading this lecture. If you had any kind of doubt, then you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp. मैं देख रहा हूँ generally बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं कि कोई कुछ नहीं रहा है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि generally कुछ ना कुछ doubt है comment section के अंदर, तो क्या करें हम लोग solve कर सकते हो। okay, जहाँ पर भी आप लोग बीच में अटक जाओ वहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को comment कर देना है कि सर यहाँ से आप मैं समझ में नहीं आ रहा है। okay, till then, bye bye everyone, thank you very much.